हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कार देख लो में। अभी आ चुके हैं मारुति सुजुकी अरीना हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और भाई, इस शोरूम से मैं जिस गाड़ी की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे, ये रही मारुति एस्प्रेसो की सबसे टॉप एंड वेरियंट, जो कि यहाँ पे VXI प्लस व्हाइट कलर के साथ देख पा रहे होंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं इसकी सारी फीचर्स कवर करूंगा, साथ में इसकी प्राइस क्या होने वाली है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। और भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब बात करते हैं कि मारुति एस्प्रेसो लेने का प्लान करेंगे तो भाई, ये सारी वेरियंट आपको पेट्रोल में मिलती है, जहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल आप ले सकते हैं। देन इसे CNG में लेने का प्लान करेंगे तो ये दो वेरिएंट में अवेलेबल होने वाली है। और ये VXI प्लस सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, तो ये सारे कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब बिना देर के हुए चलते इस गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में और इसकी फीचर्स को वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो भाई, आ चुके गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में, तो एक बार आप इसकी लुक देखो भाई। एक SUV की लुक यहाँ पे मिलती है, काफी अच्छी, ये प्रीमियम फील करवाएगी। अब आते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट के ग्रिल में, तो यहाँ पे काफी अच्छी बोल्ड लुक के साथ ग्रिल मिलती है, जहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग साथ में बीच में कंपनी की लोगो, भाई ये SUV की लुक यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। देन यहाँ पे इसके लाइटिंग में आएंगे तो रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब आपको मिलती है, जहाँ पे हाई बीम लो बीम की प्लेसिंग, साथ में गाड़ी की टर्न इंडिकेटर। भाई एस्प्रेसो के कोई भी वेरियंट में फॉग लैंप आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे नीचे आओगे तो ब्लैकआउट के साथ इसकी स्कीड प्लेट को रखी गई है। इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को टो करनी है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। और साथ में इसकी बोनेट की डिजाइनिंग काफी अच्छी रखी गई है, जो कि इसे SUV की लुक देती है। भाई वाटर की जो वाशर की प्लेसिंग है यहीं पे बोनेट में की गई है, लेकिन दो वाइपर यहाँ पे प्रॉपर मिलती है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के साइड के फेसिया में, तो साइड से एक बार आप इसकी लुक देखो भाई। एक मिनी SUV की फील आपको यहाँ पे करवाएगी। लेकिन साइड से सबसे पहले बात करेंगे भाई इसकी डायमेंशन की, जहाँ पे इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। अब ORBM जो है वो बॉडी कलर के साथ है, डोर हैंडल भी सेम कलर के साथ रखी गई है। ORBM को फोल्ड करनी है तो मैनुअली रूप से करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर के मिरर को एडजस्ट करनी है तो भाई वो बटन्स के थ्रू कर पाएंगे। टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसिंग है यहाँ पे फेंडर में किया गया है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करनी है मैनुअली की के थ्रू, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चाबी यहाँ पे देखो भाई, एक मैनुअल की है, दूसरी एक जो है कीलेस एंट्री वाली आपको मिलती है, जहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग होने वाली है। इस चाबी से गाड़ी को लॉक करनी है, अनलॉक करनी है, आप कर पाओगे। और पीछे देखो भाई, कंपनी की लोगो काफी अच्छी यहाँ पे मिलती है। हालांकि भाई ये टॉप एंड वेरियंट है तो डुअल यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग की होनी चाहिए। अब इसके टायर के सेक्शन में आओगे तो भाई यहाँ पे अलॉय व्हील आपको देखने को नहीं मिलती है। प्राइस को कम रखने के लिए ये कंपनी यहाँ पे करती है, जहाँ पे व्हील कवर आपको मिलती है स्टील रिम के साथ, C8 की टायर होने वाली है। टायर सेक्शन 165/70 R14 की रखी गई है, जहाँ पे फ्रंट में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है। भाई मैंने बताया ना, ये SUV के लुक के साथ आती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको SUV वाली ही मिलती है। 180mm के साथ इसके ग्राउंड क्लियरेंस को रखा गया है। अब यहाँ पे इसके रूफटॉप में देखो, डिजाइनिंग काफी अच्छी है, दोनों साइड में ब्लैक कलर की बीट होने वाली है। फ्रंट में रेगुलर वायर के साथ इसकी एंटीना होगी। अब गाड़ी के बैक प्रोफाइल में आओगे तो इसकी जो टेल लैंप है वो रेगुलर बल्ब के साथ है, जहाँ पे इसकी टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट आप देख पा देंगे, एस्प्रेसो की ब्रांडिंग। भाई बूट को ओपन करना है तो चाबी के थ्रू ही करना पड़ेगा, बीच में कंपनी की लोगो। अप साइड में हाई माउंट स्टॉप लैंप। भाई ये टॉप एंड वेरियंट है, लेकिन एस्प्रेसो की कोई भी वेरियंट में पीछे वाइपर आपको नहीं मिलती है, लेकिन पीछे दो पार्किंग सेंसर यहाँ पे होने वाली है। और इसकी बम्पर देखो यार, पीछे आपको ब्लैक आउट के साथ रखी गई है, स्कीड प्लेट भी यहाँ पे ब्लैक ही मिलेगा, साथ में गाड़ी के रिफ्लेक्टर। एग्जॉस्ट की प्लेसिंग आप नीचे राइट साइड में देख पा रहे होंगे, और पीछे टोइंग हुक भी है। इमरजेंसी केसेस पे गाड़ी को पीछे से अगर आप टो करना चाहेंगे तो इजी वे में कर पाओगे। अब भाई करते हैं इसके बूट को ओपन, तो चाबी के थ्रू ही करना है। अप साइड में देखो यार, ब्लैक कलर के साथ ये कवर किया गया। देन अब आएंगे भाई गाड़ी के बूट स्पेस में, तो भाई यहाँ पे 240 लीटर के बूट स्पेस, साथ में पार्सल ट्रे होने वाली है। पार्सल ट्रे काफ़ी स्ट्रॉन्ग के साथ यहाँ पे आपको आती है। दो बिग साइज की ट्रॉली, एक मीडियम साइज की ट्रॉली आप इजी वे में यहाँ पे कैरी कर पाओगे। देन इसकी स्टिपनी जो है वो भाई आपको C8 कंपनी की मिलने वाली है, स्टील रिम के साथ होगी। 165/70 R14 की साइज यहाँ पे आपको मिलेगी, कुछ इस टाइप से डुअल टोन के साथ है, जहाँ पे रेड इंसर्ट काफी अच्छी आपको मिलने वाली है, जहाँ पे ये फैब्रिक सीट होने वाली है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, थाई सपोर्ट की बात करें तो ये भी अच्छी है। भाई गाड़ी के लेंथ के अनुसार तो ये काफी अच्छी है। ऑल सीट बेल्ट यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा, मिडिल में जो बैठेंगे 2 पॉइंट वाली सीट बेल्ट यहाँ पे होने वाली है। हेडरेस्ट जो है इसकी यहाँ पे फिक्स रखी गई है, बीच में कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसके सीट को फोल्ड करना है तो ये पूरा होगा, 60-40 यहाँ पे नहीं है। लेकिन भाई गाड़ी के लेग स्पेस देखो यार, ये प्रॉपर है, बड़े लोग आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे।
देन पीछे एसी वैन तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर बोतल कैरी करनी है तो आप कर पाओगे। और इसकी फ्लोर देखो यार, ओवरऑल थोड़ा सा बम्प मिलता है ताकि मिडिल में जो बैठेंगे भाई वो कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। तीन बड़े अडल्ट लोग तो भाई यहाँ पे कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन एक छोटा चाइल्ड होगा तो बीच में आराम से बैठ पाएंगे। देन ऊपर में आओगे तो फिक्स हैंडल ग्रिप दोनों साइड में। और इसके रियर डोर स्ट्रीम्स की बात करेंगे तो ये ऑल ब्लैक आउट के साथ है। नॉब जो है ये भी ब्लैक कलर के साथ है। किया क्वीन कैरी करना है यहाँ पे कैरी कर पाओगे। ये चीज़ आपको खल सकता है भाई कि एस्प्रेसो ये टॉप एंड वेरिएंट है VXI प्लस, लेकिन पीछे आपको मैनुअल पावर विंडोज मिलता है। राउंड से में से घुमाना है तब जाके आपकी विंडो अप होगी या डाउन होगी, ये चीज़ खलता है भाई। टॉप एंड वेरिएंट है तो दो चार पैसा और एक्स्ट्रा लो, लेकिन पीछे पावर विंडोज अभी टॉप एंड वेरिएंट में होना इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे कंपनी मिस करती है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट के इंटीरियर में। तो यहाँ पे इसकी डैशबोर्ड देखो यार, एज आपको प्रीमियम फील करवाएगी। इसकी फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। आते हैं गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। तो यहाँ पे कोई भी बटन्स आपको नहीं मिलती है, लेकिन नॉब जो है वही ब्लैक कलर के साथ है। किया क्वीन कैरी करनी है। नीचे आओगे तो बोतल होल्डर मैगजीन होल्डर मिलेगा भाई। फ्रंट के जो विंडोज में है वहाँ पे स्पीकर्स होगा जो कि ड्राइवर और को ड्राइवर के साइड में मिलेंगे। अब इसके ड्राइविंग सीट में चलेंगे तो भाई सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है। ड्राइविंग पोजीशन अच्छी रखी गई है, हालांकि जो हेडरेस्ट है ये फिक्स है, लेकिन दोनों सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो इजी वे में आप कर पाओगे। और यहाँ पे इसकी थाई सपोर्ट अच्छी है, कुशनिंग अच्छी रखी गई है, शोल्डर सपोर्ट ये प्रॉपर आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन भाई ये टॉप एंड वेरिएंट है, लेकिन ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये चीज़ होना चाहिए भाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये छोटी फीचर्स है लेकिन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली है, जो यहाँ पे नहीं मिलता है। अब इसके ड्राइविंग या स्टीयरिंग में आएंगे तो भाई ये 3 स्पोक के साथ है। ये जो कवर आप देख पा रहे भाई ये एसेसरीज की पार्ट है, बीच में कंपनी की लोगो। लेफ्ट साइड में म्यूजिक की कंट्रोल मोड वाली बटन्स मिलती है, कॉल रिसीव करना है, कट करना है, वॉइस कमांड है, ये अच्छी चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीच में अगर इसकी साउंड सुनो यार, कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पे वही आपको मारुति वाली साउंड मिलेगा। इसकी स्टीयरिंग जो है वो पावर के साथ तो है, लेकिन यहाँ पे टिल टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है। चाबी की जो प्लेसिंग है यहाँ से आप कर पाएंगे। देन डैशबोर्ड के राइट साइड में आओगे तो एसी वेंट यहाँ पे देखो यार, काफ़ी अच्छी राउंड शेप में है, जहाँ पे सिल्वर की डिजाइनिंग। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM को कंट्रोल आप यहीं पे कर पाओगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप की फंक्शन। इस जगह पे स्पेस काफ़ी अच्छा है, पर्स या कोइन या छोटे मोटे कार्ड वगैरह रखना है तो आप रख सकते हैं। लाइट लेबलिंग की स्विचेस, बोनेट को आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे। और इसकी तीनों लीवर देखो यार, पूरी तरह से रबर कवर है। और यहाँ पे एक फुटरेस्ट भी आपको मिलेंगे। अब आते हैं भाई गाड़ी के डैशबोर्ड में। तो भाई यहाँ पे देखो, गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम तो आपको मिडिल में मिलती है, लेकिन MID भी आपको अपसाइड में मिलेगी। स्टीयरिंग के अपने आपको नहीं दिया गया, यहीं पे मिडिल में प्लेसिंग की गई है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी सिल्वर की इंसर्ट की गई है। देन एसी वेंट में भी सिल्वर इंसर्ट मिलने वाली है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह कैरी करनी है तो आप कैरी कर सकते हैं। साथ में ग्लोबॉक्स भी काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आती है, बड़े बोतल आप यहाँ पे कैरी कर पाएंगे। अब इसकी म्यूजिक की बात करेंगे तो सबसे पहले लो फील वार्निंग यहाँ पे आपको बताएगी। देन यहाँ पे 7 इंच की टच स्क्रीन होने वाली है, जो कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो के साथ आती है, जहाँ पे 2 स्पीकर्स मिलेगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले की सारी कनेक्टिविटी और यहाँ पे FM मीडिया फोन कनेक्टिविटी की फीचर्स, डेट टाइम आप देख पाएंगे, रियल टाइम माइलेज गाड़ी एवरेज क्या दे रही है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। हालांकि अभी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली है, 6 से 7 किलोमीटर ही चली है, तो यहाँ पे माइलेज प्रॉपर नहीं बता रही है। इसकी एक्चुअल माइलेज मैं आपको आगे इंजन के टाइम पे बताऊंगा। अच्छी बात यह है कि इसकी ऑडियो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। देन गाड़ी के MID में आओगे, जो कि मिडिल में प्लेसिंग है भाई। इसकी स्पीडोमीटर डिजिटल मिलने वाली है। देन बीच में एक आपको डिस्प्ले मिलती है, जहाँ पे गाड़ी में फ्यूल कितनी है, ट्रिप भी आप देख सकते हैं, ज़रूरत की सारी इन्फॉर्मेशन। सीट बेल्ट अभी हम नहीं लगाए हैं, वो भी आप देख पाएंगे। देन आगे अगर यहाँ पे एक नॉब है जिसे चेंज करेंगे तो रियल टाइम माइलेज गाड़ी की एवरेज और रेंज देख पाएंगे भाई। ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है कि MID यहाँ पे है, छोटी है, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ अवेलेबल है। फ्रंट में 2 पावर विंडोज़ मिलने वाली है। ड्राइवर के साइड ऑटो डाउन पावर विंडोज़ होगी, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल जिसकी नॉब आप देख पा रहे हैं, USB ऑक्सपोर्ट 12 वोल्ट 120 वाट चार्जर आपको मिलेगी, फ़ोन आप कैरी कर सकते हैं। साथ में 2 कप होल्डर होगी। गाड़ी के गियर्स में आएंगे तो 5 विथ 1 रिवर्स के साथ पूरी तरह से लेदर कवर किया गया है। और इसके हैंड ब्रेक की ग्रिपिंग यहाँ पे प्रॉपर रखा गया है। को ड्राइवर के अपसाइड में आओगे तो यहाँ पे फिक्स हैंडल ग्रिप मिलने वाली है। यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं होने वाली है। डे के साथ IRVM होगी, ऊपर में एक मैनुअल लाइट है। साथ में यहाँ पे माइक मिलने वाली है। इधर कार्ड होल्डर आपको नहीं मिलेगी। अच्छी बात यह है कि एस्प्रेसो में 2 एयरबैग्स मिलती है, सबसे पहले को ड्राइवर और दूसरा ड्राइवर के साथ स्टेयरिंग्स में, जहाँ पे SRS एयरबैग आप यहाँ पे रीड कर पा रहे होंगे। अब आते हैं भाई गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में। तो यहाँ पे इंसुलेशन आपको मिसिंग होने वाली है, ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। गाड़ी के इंजन और इसकी सारी कंपोनेंट्स की प्लेसिंग आप देख पा रहे होंगे।
बैटरी जो है ये पूरी तरह से कवर है, तो कौन सी कंपनी की है वो चीज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ब्रेकिंग की सारी सिस्टम्स यहीं पे आपको मिलेंगे। अब इसकी इंजन की बात करेंगे तो 1 लीटर 1000 सीसी की इंजन आपको मिलती है जो कि के सीरीज के साथ होने वाली है। इंजन की डिटेल और भाई ये 3 सिलेंडर के साथ है जिसकी मैक्सिमम पावर टॉर्क वो भी आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। इस गाड़ी को लेते हैं तो कंपनी के साइड से जो वारंटी मिलती है वो 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की कवरेज होने वाली है। वारंटी एक्सटेंड करना है तो भाई टोटल 6 साल तक आप कर पाएंगे। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी की सेफ्टी की, तो यहाँ पे ABS EBD CSC हिल्ड होल्ड असिस्ट मिलने वाली है, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। बैक प्रोफाइल में जाओगे तो भाई पार्किंग सेंसर, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर, डुअल एयरबैग होने वाली है। भाई ये सुजुकी हाईटेक प्लेटफॉर्म के साथ आती है तो बेसिक लेवल की सारी सेफ्टी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अब बात कर लेते हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस गाड़ी की माइलेज की, तो भाई इसे सिटी में ड्राइव करोगे तो यहाँ पे 18-20 और इसे हाईवे में ड्राइव करोगे तो 22-24 यहाँ पे आप गाड़ी में माइलेज निकाल पाएंगे। हालांकि कंपनी जो क्लेम करती है भाई वो 25 के आसपास करती है जो डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे। हालांकि माइलेज जो है वो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा कि आप गाड़ी कैसा चलाते हैं। अब इस गाड़ी की प्राइस की बात करेंगे तो भाई एक्स शोरूम 5.5 लाख पड़ने वाली है और इसे हजारीबाग मारुति सुजुकी की अरीना शोरूम से लेते हैं जो कि झारखंड में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इसकी ऑन रोड आपको 6,22,000 के आसपास पड़ती है। इस ऑन रोड के प्राइस में 5,000 की एसेसरीज भी इंक्लूड है जिसे आप चाहोगे तो अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो भाई ये रहा इस गाड़ी की सारी फीचर्स जहाँ पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया। अगर आपको कम प्राइस में एक SUV लुक के साथ, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ एक ऊंची वाली गाड़ी चाहिए तो भाई इस स्प्रेसो को देख सकते हैं। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट में जरूरत की सारी चीज है, 2-3 चीज यहाँ पे मिसिंग है जो कंपनी को अपडेट करना चाहिए, जैसे पीछे पावर विंडोज नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अलॉय व्हील अगर हो जाता तो और भी अच्छा है जो कि यहाँ पे नहीं है। तो 2-3 चीज जो यहाँ पे कंपनी अपडेट करेगी तो ओवरऑल ये काफी अच्छी एक वेरियंट हो जाएगी जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताया। तो अब करेंगे भाई वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।